हम्पी जैसे शहर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो देश था वो कितना संपन्न था। हम्पी जाना जाता है अपने कल्चर और हिस्टोरिकल रुइंस के लिए। शहर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं और उसे मिस नहीं करना चाहेंगे, पर कई बार यहाँ पर आकर ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्लेसेस हमें विजिट करनी चाहिए और कौन सी हम स्किप कर सकते हैं। तो आपकी ये मुश्किल मैं थोड़ी सी हल करने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हम्पी की कुछ ऐसी हेरिटेज साइट जो आपको यहाँ पर आने पर जरूर विजिट करने चाहिए। तो अगर आप हम्पी आने वाले हो तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, और अगर नहीं भी आने वाले हो तो आप इस वीडियो के जरिए हम्पी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। विरूपक्षा मंदिर लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये मंदिर किंग देवराया 2 के काल में बनाया गया। मंदिर का टाइम जो है वो सुबह 6:30 बजे से शाम के 8 बजे तक है, और बीच में 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। हम्पी में बहुत कम ऐसे मंदिर है जो जीवित है और जहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत से मंदिरों में मूर्तियाँ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, और विरूपक्ष मंदिर उन जीवित मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। आप यहाँ पर आकर मंदिर में दर्शन कर सकते हो और साथ ही एलिफेंट की ब्लेसिंग भी ले सकते हो। यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ विजया विठला टेम्पल। अगर आप चलकर जाओगे तो विरूपक्ष मंदिर से विजया विठला टेम्पल 1.5 किलोमीटर है, और अगर आपको बाइक से या कार से जाना है तो फिर कमलापुरा से घूम के जाना होगा, जो कि 9.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं अभी फिलहाल चल के ही जा रहा हूँ। एक टिकट दे दो। इंडियन रेसिडेंट्स के लिए 40 रुपीज़ टिकट है और फॉरेन रेसिडेंट्स के लिए 500 रुपीज़ टिकट है। विजया विठला मंदिर ये हम्पी के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। विठला ये कृष्ण भगवान का दूसरा नाम था, और कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे, इसीलिए ये एक विष्णु मंदिर कॉम्प्लेक्स है। जब डेक्कन के सुल्तान के साथ यहाँ के राजा युद्ध हार गए थे, तब पुरंदर दासा ने यहाँ से विठल और रुक्मिणी की मूर्ति ले जाकर पंढरपुर में स्थापित की थी, जहाँ पर हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन लाखों भक्त आते हैं। मैं पिछले साल वारी में था तो कर्नाटक से भी काफी दिंडिया वहाँ पर आती है, और अभी 2 दिन पहले ही मैं पंढरपुर जाके दर्शन करके आया हूँ। इंडिया में जो विष्णु टेम्पल है उसके सामने कॉमनली आपको गरुड़ा का स्टैचू दिखाई देगा, जो कि विष्णु भगवान का वाहन है। और इस मंदिर में सिर्फ गरुड़ा का स्टैचू बनाने के बजाय इन्होंने ये इतना खूबसूरत स्टोन कार्विंग किया है, जिसे स्टोन चैरियट भी कहते हैं, जो हम्पी का मेन अट्रैक्शन है, और 50 रुपीज के नोट पर भी जिसका फोटो है। और इस स्टोन चैरियट के अंदर गरुड़ा की छोटी मूर्ति है। ये स्टोन चैरियट के सामने आप जो एलिफेंट देख सकते हो, उस जगह पर ओरिजिनली हॉर्सेस थे, पर उसे डिस्ट्रॉय किया गया और फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एलिफेंट एस्टैब्लिश किए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये संगीत मंडपा है। इसमें टोटल 56 पिलर्स है, और उन पिलर्स के अंदर छोटे छोटे पिलर्स कार्व किए गए थे, और वहाँ पर म्यूजिशियन द्वारा अलग अलग साउंड निकाला जाता था। ऐसा कहते थे कि जब क्वींस नाचते थे तब ये पिलर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते थे। जो म्यूजिशियंस थे वो सैंडलवुड से इस पर मारते थे और म्यूजिक क्रिएट करते थे। ये जो मंदिर के सामने आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहले बाजार हुआ करता था। अगर आप जानकारों को पूछे तो वो आपको बताएंगे कि हर बड़े मंदिर के सामने एक बाजार होता था, और हर बड़े मंदिर के लिए एक पुष्करणी होती थी। और इस मंदिर के सामने जो बाजार है वो विठला बाजार के नाम से जाना था, और ये बाजार जो है वो स्पेशली हॉर्सेस के लिए होता था। यहाँ से मैं अभी अच्युतराया टेम्पल जा रहा हूँ। अच्युतराया टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल और विजय विठल टेम्पल के बीच में ही है, अगर आप विजय विठल टेम्पल वॉकिंग जा रहे हो तो। अच्युतराया के नाम से वर्णित इस मंदिर का निर्माण अच्युतराया द्वारा 1526 से 1542 के बीच में हुआ था। मातंग हिल के पश्चिम में स्थित यह मंदिर तिरुवेंगलनाथ मंदिर के नाम से शिलालेखों में उल्लिखित किया गया है। इन मंदिरों की जो आर्किटेक्चरल शैली है वो विजयनगर नाम से प्रसिद्ध है। अच्युतराया मंदिर के सामने ही एक बड़ी सी पुष्करणी है, तो वो भी देखने जैसी चीज़ है।
पट्टाभिरामा मंदिर हम्पी से 6 किलोमीटर दूर कमलापुरा में स्थित है। यह मंदिर अपने जटिल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसके मुख्य द्वार की अगर आप कार्विंग्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ऑसम है। कन्नड़ भाषा में कडले कालू का अर्थ चने का दाना होता है। कडले कालू गणेशा ये एक मोनोलिथिक स्टाइल का स्टैचू है, यानी कि ये एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 4.5 मीटर्स है और हम्पी के मेन बस स्टैंड से इसकी दूरी 300 मीटर है। ये मंदिर हेमकुट पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो 200 मीटर की दूरी पर ही ससीवे कालू गणेश का मंदिर है। हॉस्पेट से हम्पी आने वालों के लिए ससीवे कालू गणेशा सबसे पहला स्मारक है। यह स्मारक खुली साधारण खंभों वाली एक मंडप संरचना है। मंडप के अंदर जो गणेशा की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर है। ससीवे कालू का लोकल कन्नड़ा भाषा में मतलब होता है सरसों का बीज। मंडप के पास स्थित पत्थर पर मौजूद लेख बताता है कि इसका निर्माण आंध्र प्रदेश के व्यापारियों ने 16वीं शताब्दी में किया था। ससीवे कालू मंदिर के राइट साइड पर देखोगे तो आपको वहाँ पर जो मंदिर नजर आता है वो है कृष्ण मंदिर और वहाँ पर कृष्ण बाजार भी है, तो अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। यह मंदिर कृष्णपुर क्षेत्र में स्थित 1513 में कृष्णदेवराया द्वारा बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में 3 द्वार है, पूर्वी द्वार, उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार। शिलालेख के अनुसार ओडिशा के उदयगिरी के एक मंदिर से बालकृष्ण की प्रतिमा यहां लाकर स्थापित की गई थी। यह मंदिर अपनी जटिल और उत्कृष्ट कार्विंग्स के लिए काफी फेमस है और इस मंदिर को देखकर आपको इस बात का अंदाजा वैसे ही लग जाएगा। कृष्ण मंदिर के पूर्वी द्वार से बाहर जाएंगे तो उसके सामने ही कृष्ण बाजार और पुष्करणी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम्पी में हर बड़े मंदिर के सामने एक बाजार और पुष्करणी होता है। कृष्ण मंदिर के सामने वाला बाजार यानी कृष्ण बाजार काफी बड़े क्षेत्र में है। शिलालेखों के अनुसार यहाँ पर हर सोमवार को बाजार लगता था, जहाँ पर घर में यूज होने वाली हर छोटी मोटी चीज की बिक्री होती थी। अगर आपको पीछे मंदिर दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बाजार जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। इसके वजह से वक्त के साथ ये पूरी तरह से मट्टी में गट गया था, लेकिन फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे एक्सकवेट किया और ये अभी हम्पी की न्यूली एक्सकवेटेड साइट में से एक है। बाजार के बाजू में ही जो चीज़ आपको वहाँ पर दिख रही है वो है पुष्करणी। पुष्करणी का मतलब होता है होली वाटर टैंक। यहाँ पर मंदिर के लिए पवित्र पानी को जमा किया जाता था। ऐसा कहते हैं कि साल में एक बार मंदिर की मूर्ति यहाँ पर पुष्करणी के बीच में रखकर उसको स्नान कराया जाता था और पूजा की जाती थी। वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को जो है वो मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। आई होप कि आपको पहला पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एंड अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरी ट्रैवल स्टोरीज पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आई डी है shubh_valunj। और हाँ, सेकेंड वीडियो भी जल्दी आ रहा है तो उसे ज़रूर देखिए। आई होप कि आपने ये वीडियो इन्जॉय किया रहेगा, एंड अगर आप हम्पी आओगे तो आपको इससे डेफिनेटली हेल्प होगी। अभी फिलहाल के लिए कहीं पर भी मत जाइए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे ही डिजिटली ट्रैवल कीजिए। एंड टिल देन, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। और बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे, धूप में बस शूट कर रहा हूँ तो मोबाइल इतना गर्म हो गया कि फ्लैश एक्टिवेट होना बंद हो गया है हाई टेम्परेचर की वजह से।